आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को हर 3 साल में पीएम बनने का सपना आता है, इसलिए वो इधर उधर पलटी मारते रहते हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने सपना आया है और वो हमारी विरोधी पार्टियों में शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार जी को चैलेंज भी करना था। नीतीश कुमार जी ने लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है, आपको मालूम है क्या? मालूम है ना, मगर नीतीश जी किसी नहीं बताते। आरजेडी वाले अस्वस्थ, मैं नीतीश जी को कहता हूं, लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। आपने लालू जी के बेटे को अगर मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है तो आरजेडी वाले विधायक रोज एक दो करकर मांग कर रहे हैं, आपने बता देना चाहिए। मैं हम इस तिथि को उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर से जंगलराज, पूरा जंगलराज आजा तो आ ही रहा है, पूरा जंगलराज प्रस्तापित कर रही। हमारे संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, अमित शाह ने नीतीश कुमार पे तंज कसा है और कहा है कि हर कुछ समय बाद नीतीश कुमार को सपना आता है प्रधानमंत्री बनने का, क्या कहेंगे आप इस पे? जी बिल्कुल मनीष, अमित शाह के एक दिवसीय दौरा बिहार में था। ये दौरा जो 2024 से देखी जा रही है, 2024 में विधान लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी तरीके से तेज कर दी गई है। लेकिन जो बात करी जाए, अमित शाह ने जिस तरीके से चंपारण के घर से इन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला, नीतीश कुमार ने कहा कि इनको हर एक 3 साल में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब होता। जब 2014 की बात कर लिया, 2014 में जब पीए मोदी को कैंडिडेट बनाया जा रहा था, उस समय भी नीतीश कुमार नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था मुख्यमंत्री पद से, और उसके बाद जीतनराम मांझी को पद पे बैठा दिया था। उसके बाद जीतनराम मांझी को भी मुख्यमंत्री से पद छीन लिया गया, खुद अपने सीएम का कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अभी जो है महागठबंधन के साथ जाके गया है, महागठबंधन के साथ कुर्सी को लेकर इस तरीके से चला कि जो महाराष्ट्र का जो फार्मूला था कि बिहार में अपनाई जाए, कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से तोड़ विधायकों के साथ जो तोड़ की गई थी, उसी तरीके से यहाँ के विधायकों के साथ तोड़ नहीं की जाए, इसलिए बीजेपी से वो लोग नाता तोड़कर आरजेडी के साथ जाके बैठ गए। लेकिन जो अमित शाह के जो दौरे क्या वहाँ के जो भाषण पर नजर डाली जाए तो उन्होंने हरेक 2 मिनटों के शब्दों में हरेक बार उन्होंने नीतीश कुमार पे खास जिक्र किया कि उन्होंने नीतीश कुमार ने जो जंगल राज मिटाने की बात करके हम लोगों के साथ आए थे कि 2020 का चुनाव लड़ी जाए साथ में और 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ में लड़े हैं जंगल राज मिटाने के लिए। लेकिन आज जंगल राज मिटाने के लिए नहीं, आज जंगल राज बनाने के लिए उनके गोद में जाके बैठ गए हैं। ये नीतीश कुमार बिहार की जनता को भलाई नहीं चाहते हैं, इनकी सिर्फ कुर्सी है, इनकी कुर्सी कहाँ जहाँ भी जाए जहाँ इनकी कुर्सी रहनी चाहिए। लेकिन आने वाले समय वो 2024 और 2025 में जो 2024 में एक सपना देखे हुए हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उनका सपना नकारा जाएगा। वही नीतीश कुमार भी रैली में, यहाँ पूर्णिया में रैली में थे नीतीश कुमार, महागठबंधन के 7 दलों में वहाँ पे रैली चल रही थी, वहाँ पे भी नीतीश कुमार ने अमित शाह पे भी करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले तो सिर्फ वादा करते हैं, बीजेपी का एक है बीजेपी में नेता नहीं सिर्फ डीलर लोग हैं, ऐसा जो बयान है नीतीश कुमार का बयान है। वही तेजस्वी यादव ने भी कटाक्ष हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी जो बीजेपी यहाँ पे अपने फौज खड़ा कर दिया, आरएसएस जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संस्थान है उस पर भी हमला बोला कि जो आरएसएस है वो एक देश विरोधी गतिविधियों में से, इन लोग का मानना है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। और वहीं जिस तरीके से अमित शाह ने वहां रैली में जो चंपारण में थे उन्होंने कहा था कि हमने जब 370 हटा रहा था उस समय भी नीतीश जी विरोध किया था, आज भी नीतीश जी विरोध कर रहे हैं कि जातीय जनगणना को लेकर नीतीश जी ने विरोध किया, जातीय जनगणना खुद अपने स्टैंड पे करवाया बिहार में, जातीय जनगणना के लिए जितनी 500 करोड़ रुपया जो खर्चा हुआ वो राज्य सरकार नहीं जनता के पैसा खर्चा की, यही सिर्फ एक ढोंगे रचने के लिए। लेकिन अभी दोनों रैलियां के बाद अब देखी जाए अमित शाह की जो दौरा है चंपारण के बाद वो 5 बजे पटना आएंगे, पटना में वो स्वामी सहजानंद के पुण्यतिथि में शामिल होंगे। जी
जी विवेक, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। पुड़िया में महागठबंधन की महारैली में नीतीश कुमार ने अमित शाह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने देश पर कब्जा कर लिया और कोई भी काम देश हित में नहीं कर रहे हैं। पिछले चुनाव में इन लोगों ने बिहार के विकास के लिए मदद करने का दावा किया था, लेकिन कोई भी मदद नहीं किया। पुड़िया में महागठबंधन की महारैली में लालू यादव शामिल हुए। रैली में लालू दिल्ली से जुड़े उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सभा को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर हमला पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, वो आरएसएस का मुखौटा है। भाजपा और आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी हैं। हम साथ रहेंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। पुड़िया में महागठबंधन की महारैली में तेजस्वी यादव भी शामिल हुए, जहां उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे यहां महागठबंधन है, वैसे ही देश में भी महागठबंधन है। आप लोगों को दुआ और प्रार्थना से आज मेरे पिता बिल्कुल ठीक हैं। खबर बिहार के औरंगाबाद से है, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों में जमकर हंगामा किया है। उनका कहना है कि चिकित्सकों द्वारा इलाज में लापरवाही बरती गई और महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे बाहर रेफर कर दिया गया, लेकिन मरीजों के रास्ते में ही मौत हो गई। मौत के बाद मरीज का शव ओपीडी में रखकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद चिकित्सक और नर्स अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। हंगामा से अस्पताल में मौजूद मरीजों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझा कर मामला शांत करवाया। कारण बताइए आप। आप बोले कि ब्लड चढ़ाना है, आपको ब्लड भी दिया गया यूनिट। आप बोले फीवर है, फीवर उतरेगा हम चढ़ा देंगे। लास्ट में आप लीवर का बोले कि लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर का दवा दिए। जब देखे कि केस गड़बड़ा गया तो आप बोले कि 10 मिनट पहले के रेफर कर। कहाँ की रहने वाली है महिला? रहने वाली है बरियावा के पास में है, आपका बरियावा पंचायत में कोनी का। कोनी का यही डॉक्टर प्राइवेट में बैठ कर जान बचा लेता है, यही सरकारी में बैठ के उल्टा दवाई दे कर जहर देकर जान ले लिया है। जान के जब जान के हम मांगे कि हमको दे दीजिए छुट्टी, रेफर कीजिए, हम दूसरा जगह लेगा, कहा कि सब नॉर्मल है। और जब मर गया उसको रेफर किया, मरला के बाद में तो कह रहा है कि इसके पास किडनी खराब है, लीवर खराब है, जॉन्डिस है, खून है, सब एक मैच हो गया। कब एडमिट कराए थे आप? कल कराए हैं। खबर बिहार के भागलपुर से, जहां नगर निगम कार्यालय में देर रात बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लाकर अनिश्चित स्थान पर रखा गया और अगले दिन वहां से हटाने का प्रयास किया गया। बता दें कि बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को ना नगर आयुक्त रखना चाहता है और ना ही नगर निगम, जिसकी सूचना पर प्रतिमा स्थापना समिति के संयोजक संतोष कुमार ने नगर आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान हुआ है, इसलिए जल्द से जल्द उनकी प्रतिमा को निश्चित स्थान प्रदान किया जाए, नहीं तो भागलपुरवासी आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम लोग दूसरा घाट से बोल रहे थे कि तुम कैसे खोल दिए, किसने कहा? कितने बजे रात में आया था? 12 बजे। 12 बजे। हाँ। कौन कौन कितने लोग आए थे मूर्ति प्रतिमा के साथ? आदमी तो बहुत ही था, उसका गिनती तो नहीं है ना मेरे पास, लेकिन अंदाज लगा कि आदमी ढेर है, बहुत अधिक संख्या में। बहुत अधिक संख्या में है, लेकिन 10-20-25 आदमी। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा रात में आई है और इस स्थान पर भी रखा गया है, और हम लोग नगर आयुक्त से मिलने आए थे। नगर आयुक्त का है कि यहाँ भवन निर्माण होना है, तो भवन निर्माण के बाद कौन सी जगह वो हम लोगों को चिन्हित करते हैं, उस चिन्हित जगह पर हम प्रतिमा का स्थापना करेंगे। अभी प्रतिमा यहाँ रखी गई है और हम लोगों ने कहा है कि प्रतिमा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो, उसकी पूरी सुरक्षा उसको मिले। अगर प्रतिमा का कोई भी अंग भंग होता है तो यह हम सबों की भावना आहत होगी, और भावना आहत होगी तो इसका बड़ा स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ लेते हैं छोटा सवेरे ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप
खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर, तो देर किस बात की। अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद आपका स्वागत है। खबर वैशाली के महुआ थाना क्षेत्र की है, जहां आपसी रंजिश में हुए विवाद के बीच गोलियां चल गईं, जिसमें यहां मौजूद एक व्यक्ति को गोली लग गई है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने इस घटना की सूचना महुआ थाने में दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर और आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। यहां पर सूचना हमको भी मिली और मिलते हुए हम लोग आए यहां पर। आने के बाद यही जो है एक गोलीकांड में पहाड़ी पंडित नाम के व्यक्ति जो कि शिवपुर गांव से हैं, उनका जो है देहांत हो गया। और आज सभी लोग काफ़ी मार्मिक है और जिस समय घटना हुई है उस समय से भी, क्योंकि महुआ थाना क्षेत्र में पड़ जाती है, हमारे थाना के प्रशासनिक महोदय जो भी हैं थाना प्रभारी जी से लेकर के सभी लोगों का योगदान लगातार रहा है यहाँ पर। नवादा में विवाहिता की लाश उसके कमरे में फंदे से लटकती हुई मिली। परिवार वालों ने पति समेत ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ससुराल वालों ने एक साथ मिलकर उसकी बेटी की हत्या की और उसके शव को पंखे से लटका दिया। बता दें कि हत्या के बाद मृतक के 5 वर्षीय पुत्र को लेकर सभी फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर रोहतास है, जहां स्वतंत्रता सेनानी बुद्धन राय वर्मा की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इस कार्यक्रम में औरंगाबाद के सांसद सुनील सिंह यादव मौजूद रहे, जहां उन्होंने आरजेडी के नेता सुरेंद्र यादव के विवादित बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी पार्टी गंदी सोच और गंदी विचारधारा की राजनीति करती है। बता दें कि सुरेंद्र यादव ने बुद्धन राय वर्मा के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि अगले 8.5 साल बाद भारत की सेना हिजड़ों की फौज हो जाएगी, पुरानी सेना रिटायर्ड हो गई जाएगी। इसी बयान को लेकर सांसद सुनील सिंह ने अब आरजेडी पर पलटवार किया है। ये कई लड़ाइयों में साबित हो चुका है, जब चीन के साथ वार हुआ, जब पाकिस्तान के साथ कई लड़ाइयां हुई, युद्ध हुए, तो भारत की सेना ने दुनिया में अपनी पहचान स्थापित की। वैसी सेना के विषय में इस तरह से ओछी बात, निम्न स्तर की बात की जाए, ये किसी दिमागी तौर पर दिवालियेपन आदमी और उस पार्टी के नेता की सोच हो सकती है, इसे जनता पूरी तरह से नकारती है। सुपौल जिले के युवक की हरियाणा के पुरजोखरा में मौत हो गई है, जिसके बाद युवक के शव उसके गांव पहुंचा, जहां मृतक के परिजनों ने गांव में तेज नारायण पंडित पर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। पंडित पिता ने बताया कि उनके और गांव के भूपेन शर्मा और भरत शर्मा के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दोनों परिवारों के बीच कई बार झगड़ा भी हुआ है। इसी जमीन को लेकर विवाद में विरोधियों ने उनके बड़े बेटे को जेल भी भेज दिया था। हमरा से बात भेले शुक्रे का। कौन शुक्र? अगले शुक्र। पिछला शुक्र के बात कल की से चाची। क्या बजे बात बोले? हमरा बात भेले करीब 5 बजे शाम में, भोरे में। अच्छा, सुबह में 5 बजे? हाँ, भोरे में। क्या की बात भेले रहे? बात भेले जे हमरा बेटा चंदन बेटा कहलके
जमे आगे भैया को कही हमरा हिसाब दे दे ला हमरा नहीं निक लागे छो अच्छा हम चले आएंगे हम चल जबो घर तब हम कहलिए कि से किया तू कल गेली आ किया कह छी चलबे दू पैसा कमेबी त बाल बच्चा छो दूगो कलकै नै हमरा निक नै लागै छो हम घरे पर काम करबै माय हमर मुँह देखबी ने तू तो हमरा ऐठना से कही निकाल दे ला हमर आत्मा गवा दै छो जे हम ऐठना नै रह हमरा बात भले फोन लागले रहे सर आब तो हमरा मालूम नै रहे से आब की कैलकै लै गेलै ओहिठिना मारलकै पिटलकै आब जमीन के ओल झोल रहे एहि खातिर गमलकै एक आदमी के मारि देबै ने भूपेंद्र शर्मा भरथा शर्मा कहलकै मारि देबै तऽ ई कहतै कि से खेलकै पिलकै काम करै रहे मरि गेलै तैं मरि गेलै सर मेरा वो आदमी नहीं था ना वो दूसरे कंपनी में वो कंपनी में काम करता जैसे तो उसको स्पेशल बुलाया गया था दारू पीने के लिए वो हाँ ये चंदन उसके साथ में मतलब जाता था बैठता था वो भी सेटिंग का काम दूसरे ठेकेदार की तरफ काम कर रहा चंदन उसके साथ में गया था दूसरा ठेकेदार का आदमी यही हमारा रोहतास से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस और कुछ लोग हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं बताया जा रहा है कि ये वीडियो दिनारा थाना क्षेत्र का है जिसमें पुलिस का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है जहां पुलिस ने रिश्वत मांगते हुए दरअसल वीडियो में पुलिस को पकड़े हुए शख्स पुलिस को घूस मांगने के आरोप में बहस कर रहा था वहीं वीडियो वायरल होते ही यह वायरल वीडियो की पुष्टि एसपी रोहतास विनीत कुमार ने करते हुए कहा कि इसमें एफआईआर कर ली गई है और जिन लोगों ने पुलिस के साथ हाथापाई की है उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है साथ मंजीत जुड़ चुके हैं रोहतास से मजीद पूरा मामला क्या है हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें रिश्वत लेते हुए आरोप लगाए गए हैं पूरा ये पूरा प्रकरण क्या है जी जी वीडियो दिनारा का थाना अध्यक्ष का है बताया जा रहा है एसपी ने इसकी पुष्टि की है और मैं आपको बता दूं कि जो थाना अध्यक्ष पे आरोप लग रहे हैं कि वो पैसे मांगने की आरोप उस वीडियो में साफ दिख रहा है और आवाजें आ रही है कि ये पुलिस जो है कि पैसा मांग रहा था उसको लेकर जो है कि हाथापाई होती है लेकिन इसके बाद जब वायरल हो जाती है वीडियो ये पब्लिकली हो जाती है तो उसके बाद एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और एक को एफआईआर करके एक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ गाड़ियां भी उसमें जब्त की गई है और रोहतास के एसपी ने बताया कि और जो अन्य लोग उसमें हैं उनपे भी जांच की जा रही है और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तारी की जाएगी मंजीत इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद फिलहाल बिहार की खबरों बस इतना ही देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी नमस्कार